बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहब्बत की शादी का नक्श। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो का मौजू है मोहब्बत की शादी का नक्श। अमाले मोहब्बत हमेशा से ही रूहानियत का अहम तरीन मौजू रहा है, इसलिए माहिरीन रूहानियात अपने तजर्बात व मुशाहिदात की रूह से मोहब्बत के नित नए अमलियात तरतीब देते हैं ताकि मोहब्बत के मामलात बखूबी हल हो सकें। जैसा कि मोहब्बत की शादी का नक्श उन लड़के लड़कियों के लिए तैयार किया गया है जो जायज़ तरीके से माँ बाप की रजामंदी से मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं। मोहब्बत की शादी के नकूश हर साल माह रजब में तैयार किए जाते हैं, जिसकी बरकत से मनपसंद शादी में हायल हर रुकावट दूर हो जाती है। इस साल लगभग 5,000 लड़के लड़कियाँ मोहब्बत की शादी का नक्श हासिल करके अल्लाह की रहमत से अपनी मनपसंद शादी में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। याद रखें कि ये नक्श सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत की शादी के लिए ही हासिल करें, नाजायज़ मकसद के लिए इस नक्श को हासिल करने की बुज़ुर्गों की तरफ से कतन इजाज़त नहीं है। नक्श हासिल करने का तरीका। इस नक्श का हदिया 1400 रुपये मुकर्रर किया गया है। किसी भी रूहानी अमल का हदिया अदा करना अमल की कामयाबी के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर आप इस नक्श का हदिया रुपये पैसे की सूरत में अदा करने की इस्तेआत नहीं रखते तो इस नक्श का हदिया अहद की सूरत में भी अदा कर सकते हैं। अहद ये है, मैं अल्लाह के हजूर ये अहद करता हूँ या करती हूँ कि मैं 2 ऐसी नेकियाँ अपने जिस्म में दाखिल करूँगी जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो, और कम अज़ कम 2 बुराइयाँ अपने जिस्म से हमेशा के लिए निकाल दूँगी, और कम अज़ कम 5 अफराद को अल्लाह के ज़िक्र पर लगाऊँगी, और मैं इस अहद को 1 माह के अंदर पूरा करने की पाबंद होंगी। अगर मैं इस अहद की पासदारी ना कर सकी तो इस नक्श का 1400 रुपये हदिया अदा करके इस अहद से आज़ाद हो जाऊंगी। याद रखें, जो साइलीन इस नक्श को फ़ी सबीलिल्लाह हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह के हजूर ये अहद करना लाजिम होगा। बिना अहद पूरा किए या बिना हदिया अदा किए नक्श का फैज़ जारी ना होगा। आप इस नक्श को 1400 रुपये हदिया अदा करके हासिल करें या फिर अहद के ज़रिए फ़ी सबीलिल्लाह, दोनों ही सूरतों में फैज़ एक जैसा होगा इंशाल्लाह। इस नक्श को हासिल करने के लिए साहिल का नाम, वालदा का नाम और मुकम्मल एड्रेस दिए गए फ़ोन नंबर्स पर लिखवाएं। हमारे रूहानी माहिरीन आपके फ़राहम करदा नाम और वालदा के नाम के मुताबिक इस नक्श पर मखसूस औकात में पढ़ाई करके इसे आपके नाम मंसूब करके इस नक्श का फैज़ जारी फरमाएंगे। इंशाल्लाह 24 से 48 घंटों में नक्श आपके मतलूबा एड्रेस पर अरसाल कर दिया जाएगा। नक्श को अपने नाम मंसूब करवाने के लिए मर्द हजरात हसनैन साहब से 03065111214 पर और ख्वातीन 03217970803 पर रابطہ कायम करें। नक्श का फैज़ जारी करने का तरीका। नाजरीन, हमारे रूहानी सेंटर में माहिरीन रूहानियात की ज़ेर निगरानी इसमें आज़म और कुरानी आयात से ज़िंदगी के तमाम मसाइल के हल के लिए मखसूस औकात में नक्श तहरीर किए जाते हैं और फिर इन नकूश या तावीज़ात का फैज़ जारी किया जाता है, जिसका तरीक़ाकार ये होता है कि पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में लोग हमारे बुज़ुर्गों से ख़ास कुलियात के तहत अपने अपने नाम का इसमें आज़म फ़ी सबीलिल्लाह हासिल करते हैं और पूरा हफ्ता अपने मसाइल के हल के लिए वो ज़िक्र इसमें आज़म तलावत करने के बाद हर जुमेरात को हमारे दुआ प्रोग्राम में अपना नाम, मसला और तलावत करदा ज़िक्र इसमें आज़म हमारे उन बुज़ुर्गों को दुआ के लिए अरसाल करते हैं जो कि मुख्तलिफ मुकद्दस मुकामात पर कुल इंसानियत के लिए दुआ फरमाते हैं। हमारे बुज़ुर्ग उन तमाम अफराद का अरबों खरबों की तादाद में वसूल करदा ज़िक्र इसमें आज़म अल्लाह के हजूर पेश करने के बाद उन तमाम अफराद के मसाइल के हल के लिए जहाँ तक मुमकिन हो उनका नाम लेकर खसूसी दुआ फरमाते हैं और फिर रूहानी सेंटर में मौजूद तमाम नकूश पर दम करते हैं, जिससे उन नकूश का फौरी फैज़ जारी हो जाता है। मिसाल के तौर पर मोहम्मद अली के नाम का इसमें आज़म है या मोमिनू या अल्लाह, और इसके आदाद हैं 202। मोहम्मद अली ने पूरा हफ्ता रोज़ाना 202 बार इसमें आज़म या मोमिनू या अल्लाह का विर्द किया और फिर बरोज़ जुमेरात
उस इसमें आज़म की कुल तादाद बनी 1414। अब मोहम्मद अली ने दुआ प्रोग्राम में बुज़ुर्गों से दुआ करवाने के लिए अपना नाम, मसला और ज़िक्र इसमें आज़म की कुल तादाद 1414 अरसाल की। मोहम्मद अली की तरह पूरी दुनिया से लाखों अफराद ने भी इस तरह अपना अपना तलावत करदा ज़िक्र इसमें आज़म दुआ के लिए अरसाल किया, तो उस अरबों खरबों की तादाद में जब मोहम्मद अली का मखसूस तादाद में अरसाल करदा ज़िक्र इसमें आज़म जमा करके अल्लाह के हजूर पेश किया जाएगा, तो मोहम्मद अली को भी अरबों खरबों की तादाद में ज़िक्र इसमें आज़म का फैज़ मिलेगा। और फिर जब मोहम्मद अली के नक्श पर दम किया जाएगा तो उस नक्श से भी इंतहा का फैज़ जारी होगा, जिसके वसीले से उसकी दुआ बहुत ही जल्द कबूलियत का दर्जा पालेगी इंशाल्लाह। इसी तरीक़ाकार के तहत कोई भी साइल अपने मसाइल के हल के लिए यही नक्श बतौर हदिया भी मंगवा सकते हैं और अहद के ज़रिए फ़ी सबीलिल्लाह भी। अगर आप हमारे चैनल पर आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ब्लैक मैजिक कम्युनिटी को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद रूहानी मसाइल के हल के लिए विज़िट करें www.pray.net.pk। दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैने पाक के सदक़े में आपके अपनों के दिल में आपकी ऐसी मोहब्बत पैदा फरमाएं जो ता ज़िंदगी कायम रहे। आमीन सुमा आमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।